आप सबों को मश्री वादन नमस्कार जय मसी की। मेरे प्रियो, आज का संदेश का शीर्षक मैंने अवॉइडिंग इन क्राइस्ट मस में बने रहना नामक शीर्षक दिए हैं। मस में बने रहना का अर्थ यह होता है कि एक व्यक्ति का जीवन में लगातार यह दिखाई देना चाहिए कि वह व्यक्ति निरंतर यीशु मसीह को प्रभुता के अधिकार में बना हुआ है या प्रभुता के अधीनता में बना हुआ है। बहुत बार तो हम बिना सोचे समझे उसे प्रभु पुकारते हैं, लेकिन रोमियों का पत्री 8:1 में क्या बोलता, आइए हम लोग सुने। रोमी का पुस्तक 8:1 में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड का आज्ञा नहीं, क्योंकि ये शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड का आज्ञा नहीं। मेरे प्रियो, यदि हम मसीह में बने रहें तो आप और मेरा जीवन में दंड का आज्ञा नहीं रहेगा, क्योंकि इसका अर्थ यह होता कि हम लोग जीवित रहेंगे, निरंतर उसमें बने रहेंगे या ठहरे रहना होता है। मेरे प्रियो, हम लोग उसमें ठहरते हैं, क्योंकि इसलिए मसीह में बने रहने का मतलब यह होता है कि हम लोग उसमें जीवित हैं या उसमें बने रहें। दूसरा कोरिन्थियों पुस्तक 5:7 में यह बोलता, 17 में, मैं आपको खोलने के लिए नहीं कहूँगा, यहाँ ऐसा बोलता, जो कोई मसीह यीशु में वह नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गए, आओ हम लोग नए सिरे से चलें। मेरे प्रियो, मसीह में नया सृष्टि होना, जब हम लोग मसीह यीशु में बने रहते हैं उसमें हम लोग नया सृष्टि होते हैं। फिर यदि आप खोलेंगे योना रचित सुसमाचार 10:28-29, योना रचित सुसमाचार का 10, आप जो कोई को मिले आप पढ़ सकते हैं, 10:28-29 हम ही पढ़ रहे हैं। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, कौन बोल रहा है, हाँ यीशु मसीह, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहते हैं पिता का हाथ से हमें छीन नहीं सकता, क्योंकि हम लोग मसीह यीशु में बने हुए हैं। परमेश्वर के साथ का संबंध स्थायी रहता है। मेरे प्रियो, जब हम लोग मसीह में बनते हैं तो हमारा संबंध स्थायी होता है। पहला योना की पत्री 2:5 यदि आप पढ़ेंगे, पहला योना 2:5 यहाँ बोलता, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ तो उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। मेरे प्रिय यीशु मसीह, आप और हम लोग जैसे ही थे, परिवार में थे तो भी तो उसके जीवन से पाप नहीं हुआ बोलता, जैसे वो चलते थे वैसे हमें चलने के लिए यहाँ परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है। मेरे प्रियो, मसीह को जानना उसमें बने रहना होता है। मेरे प्रियो, यही पहला योना के पुस्तक 2:24-25 क्या बोलता है, फिर एक बार देखें, आपको मिला तो पढ़ दें, 24:25, जो कुछ तुमने आरंभ में सुना है वही तुम्हें बना रहे। क्या सुना था, यीशु मसीह प्रभु हैं, उद्धारकर्ता हैं, यीशु मसीह में जीवन है, अनंत जीवन है, बल्कि आपने सुने थे तो उसमें बने रहिए बोलता, वही तुम में बना रहे, तुम उसमें बना रहना, वह तुम्हें बना रहता बोलता, जो तुमने आरंभ से सुना है वह यदि वह तुम्हें बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन हरे है। मेरे प्रियो, यदि आप और हम मसीह यीशु में बने रहेंगे तो अनंत जीवन का भागी बनेंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि बने रहना या ठहरे रहना या उसे जानना एक ही बात दर्शाता है, अर्थात उद्धार के संबंधित है। लेकिन बने रहना, ठहरे रहना या उसे जानना या उद्धार नहीं है। मेरे प्रियो, मसीह बने रहना का अर्थ वह निकट है, यह हम लोग समझ सकते हैं, घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है, निकटतम संबंध को दर्शाता है। मेरे प्रियो, योना की सुसमाचार 15:4-5 यदि आप पढ़ेंगे, योना की सुसमाचार 15:4-5 यहाँ क्या बोलता है, सुने,
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझे बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यदि आप और हम डाली हैं, हम लोगों का दाखलता या पेड़ यीशु प्रभु हैं, यदि हम डाली हैं तो उसमें बने रहना होगा। जब हम लोग बने रहते हैं फल फलाते हैं मेरे प्रियो, नहीं तो हम लोग यहाँ बोलता है यदि तुम बने रहोगे तो मांगो, जो कुछ मांगते हो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मसीह में जो हमें उद्धार प्रदान करता ना मेरे प्रियो, कुलुसी का पत्र 1:18 में बोलता है यीशु मसीह मंडली का कलीसिया का सर है, हम लोग उसके देह। मंडली का मतलब ये बिल्डिंग नहीं है, आप और हम विश्वासी लोग हैं मेरे प्रियो, और हम मसीह के शरीर हैं। यदि वो सिर है तो हम लोग शरीर से अलग होके कुछ कर नहीं सकते हैं मेरे प्रियो। मसीह, क्योंकि मसीह में बने रहने का अर्थ उद्धार से अलग होता है, मसीह के साथ का घनिष्ठता को देखाता है। हम बोल चुके हैं हमें उद्धार की प्राप्ति के प्राप्त करने का प्रयास करते रहना होगा। उद्धार अनुग्रह से आता है मेरे प्रियो, और हम अनुग्रह के द्वारा उसमें बने रहते हैं। गलाती का पुस्तक में यदि आप पढ़ेंगे तो हम लोग आत्मा के अनुसार चलें बोलता, और योना 10:27-30 तक पढ़ेंगे, योना 10:27-30 तक, तो यहाँ आप पाएंगे, हम पढ़ के सुना रहे हैं। मेरे भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और ये मेरे पीछे पीछे चलती आई हालेलुया, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे सॉरी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और उन्हें कोई भी पिता का हाथ से छीन नहीं सकता, मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता मेरे प्रियो, क्योंकि पिता और यीशु एक हैं। लेकिन हमें एक कार्य करना होगा, हमें मसीह में बने रहना होगा। फिर प्रकाशित वाक्य 2:26 यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखता है सुने, प्रकाशित वाक्य 2:26, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा बोलता। हालेलुया। जय पाने वाले, उसमें बने रहने वाले जय पाते हैं, तब तो मसीह बने रहने वाले उद्धार के प्रमाणों में एक बनता है, ताकि हम लोग जाति जाति के ऊपर में अधिकार पाएंगे मेरे प्रियो। फिलिप्पियों 1:6 बोलता, परमेश्वर अपना काम करेगा। योना 15:3, फिर हम लोग जानते हैं वे बहुत फल फलाएंगे, मतलब कौन, जो योना 15:5, जो मसीह में बने रहता है वही फल फलाएंगे। योना 15:10 यदि आप पढ़ेंगे तो मसीह बने रहने का प्रमाण, वास्तविकता में वह व्यक्ति बचाया गया है, वह ढोंग नहीं कर रहा है होता है मेरे प्रियो। और लेकिन पहला योना 3:24 फिर पढ़े हम लोग, पहला योना के पुस्तक 3:24 पर क्या बोलता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हालेलुया। वह ढोंग नहीं कर रहा है, वह सच में बचाया गया है, वह मसीह में बने रहता है मेरे प्रियो, ढोंग नहीं कर रहे। ये पहला योना 2:6 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे 2:6 में क्या पाएंगे, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा हुआ था यीशु मसीह, कैसे था आप और मैं जैसा फैमिलियर में था यीशु मसीह, तो आप और मुझे भी यह होना होगा कि हम यीशु मसीह में बने रहना होगा मेरे प्रियो। क्योंकि पहला योना 3:6 कहता, पहले योना यही 3:6
क्या कहता, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसे उसने न तो देखा है और न उसको जाना है। हालेलुया मेरे प्रियो, पाप करने वाले लोग उसको नहीं जानते हैं, उसको देखा नहीं। आप लोग सुने होंगे फलाना मसीह, फलाना भी तो मसीह व्यक्ति है, ऐसा पीता है वैसा करता है, लेकिन मेरे प्रियो धर्म नहीं कर रहे, यीशु मसीह नहीं कर रहे, वो व्यक्ति कर रहे हैं, क्योंकि मसीह में बने नहीं रहेंगे तो उद्धार का ठोक प्रमाण नहीं होता, ढोंग का प्रमाण हम लोग नहीं देते हैं, ढोंग नहीं करना है आप और मुझे, क्योंकि हम यदि मसीह यीशु में बने रहेंगे तब तो आप और मेरा उद्धार अवश्य होता है। मेरे प्रियो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप लोग जैसा लोगों को प्रभु ने बुलाया है, क्योंकि इसलिए हाँ जब हम मसीह बने रहने का बात करते हैं ना, हम ढोंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम बचाए गए। अभी आप गवाही सुन रहे थे, क्योंकि हमें दूसरों को आशीष देने के लिए बुलाए गए लोग हैं हम, और इसमें स्थिर रहे मेरे प्रियो। दूसरा को आशीष देना, आप खाली पैसा कौड़ी का बात मत सोचिए, आप आपद विपद होंगे लोगों को आप साथ देना होगा, हर एक परिस्थिति में आप उसके लिए प्रार्थना करना होगा, साथ देना होगा, तभी ना होता है, क्योंकि आप आशीष का भागी बनने के लिए बुलाए हैं। यदि आप अपना जीवन में शांति आनंद में जीवन बिता रहे हैं ना, तो सोचें मसीह में आप बने हुए हैं, नहीं तो आपको पछताव करना होगा। आज सोचें, आइए हम लोग प्रार्थना करें, सोचें और प्रभु को कहें, प्रभु आप मेरे साथ बातचीत कर। हालेलुया, आप सबों को मसीह में नमस्कार, जय मसीह।